शिमला जिला के रामपुर बुशहर में दूर दराज क्षेत्र के नेत्र रोगियों को घर द्वार पर सुविधा दिलाने की नियत से सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट रामपुर द्वारा 3 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस निशुल्क नेत्र जांच एवं शल्य चिकित्सा शिविर में 1200 से अधिक मरीजों की आंखें जांची गई, जिसमें 70 से अधिक मरीजों के आंखों का ऑपरेशन भी हुआ। इस शिविर में शिमला, किन्नौर, मंडी और कुल्लू के दुर्गम क्षेत्र के मरीजों ने हिस्सा लिया। सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट द्वारा लगातार पिछले 10 वर्षों से इस तरह के निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मरीजों और तीमारदारों के रहने, खाने और दवाइयों की मुफ्त व्यवस्था की जाती है। ट्रस्ट के प्रबंधकों का कहना है कि ऊपरी क्षेत्र में शिमला से किन्नौर एवं स्पीति के काजा तक कहीं भी नेत्र रोग से जुड़े विशेषज्ञ नहीं हैं, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र रोग से जुड़े बुजुर्गों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई है। ग्रामीण लोगों के पास संसाधन ना होने के कारण उन्हें क्षेत्र से बाहर जाना मुश्किल होता है, इसलिए ट्रस्ट शिविर लगाकर लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। मैं विनय शर्मा, महासचिव ठाकुर सत्यनारायण कपूरिया मंदिर न्यास। मेरे साथ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल जी, और ये सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट द्वारा ये जो इस बार लगातार 10वां कैंप जो किया जा रहा है, पिछले कल इसकी शुरुआत हुई तो कल लगभग 1200 लोग अपनी आँखों की जाँच कराने के लिए यहाँ पे आए, और जांच के बाद पाया गया कि यहाँ बहुत संख्या में मोतियाबिंद के मरीज़ जो हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बहुत संख्या में हैं। आज उनमें से चुने हुए 70 लोगों के ऑपरेशन किए गए, लेकिन संख्या में अंकुश के कारण से, सरकारी तौर पे जो अंकुश है उसके कारण से सभी लोगों के ऑपरेशन यहाँ पे करना संभव नहीं है। इसलिए 70 लोग के ऑपरेशन के बाद जो बाकी लोग हैं, तो ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि उन लोगों को ट्रस्ट के माध्यम से ही हम लोग मरंडा पालमपुर ऑपरेशन के लिए भेजेंगे, और उनके ऑपरेशन करने के बाद उनको यहाँ वापस लाएंगे। और इसमें जितना भी ये ट्रस्ट में ये जितना भी कार्यक्रम 3 दिवस का ये चल रहा है, उसमें हमारे सभी सहयोगी संगठनों का भरपूर सहयोग है, और सभी नगरवासियों ने भी इसमें भरपूर हर तरह से सहयोग हमारा किया है। वहीं इस दौरान यहाँ नेत्र जांच करवाने दूर दूर से आए लोगों ने भी अपने विचार मीडिया से साझा किए। सबसे पहले मेरा सबको नमस्ते, और जो भी यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, मैं आशा वर्कर भी हूँ और मैं धारा सरगा से बिलोंग करती हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी माता जी को भी लाया है और यहाँ पर 3-4 और बेनिफिशरी को भी लाया है, क्योंकि यहाँ पर खनेरी हॉस्पिटल में ऐसी सुविधा नहीं है जिससे आँख का ऑपरेशन किया जाए। और जब भी हम गांव में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ पाई गई कि आँखों के जो भी व्यक्ति बुज़ुर्ग आदमी है तो यही कहते कि हमें दिखाई नहीं देता है। जो भी ये कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था कमेटी के द्वारा, किस जो भी संस्था के द्वारा, तो बहुत अच्छा था। इसमें मैंने 3 दिन अटेंड किया है तो इतना अच्छा था, हर चीज़ अच्छी थी। कहाँ जाना पड़ता लोगों? नहीं तो हमें खनेरी से शिमला के लिए रेफ़र किया जाता था या पालमपुर जाना पड़ता था। इतने दूर हमारे जो बुज़ुर्ग आदमी है वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनको कई जो ये होती है ना, बॉन्डिंग होती है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए यहाँ हमें नज़दीक जो भी ये मिला है तो हम इससे बहुत खुश है। यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ का खान पान जो भी था बहुत ऐसे हमको बहुत दूर जाना पड़ता था, इसलिए हमारी को सुविधा जो है घर में बैठ के मिल गई। हम दूर जाने से बच गए, जगह जगह का काम जा भागने से बच गए, और हर तरह से हमारा पैसा बच गया। नाम क्या आपका? है? नाम बेगानंद। कहाँ से हो? बेगानंद। आप कृष्णा जी? मैं नरेंद्र वाली से हूँ। मेरा नाम प्रीता देवी है। मैंने यहाँ आँखों का ऑपरेशन किया है, मतलब अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की सेवा लोगों की बहुत अच्छी है, यहाँ की सुविधा। तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? नहीं तो या तो पालमपुर जाओ या कहीं प्राइवेट जाओ, कहीं भी, मतलब यहाँ वो सुविधा नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत अच्छा है। सबकी सेवा बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सिटी चैनल के लिए रामपुर बुशहर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट।